नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सनम। नाज़रीन, इंडिया में तेजी से डेवलप होने वाले शहरों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम गुड़गांव का है। पिछले कुछ सालों में गुड़गांव में बहुत तेजी से और बड़ी ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक गुड़गांव की डेवलपमेंट को और इस सिटी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इंडिया में ही है या किसी और मुल्क में। तो आज हम गुड़गांव की वीडियो पाकिस्तान की आवाम को दिखाएंगे और देखेंगे और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? उमर दराज खान। मोहम्मद अलहा महमूद। जी इम्तियाज बुखारी। जी शाहजेब फैसल। उमर, आपने गुड़गांव की वीडियो देखी, क्या कहेंगे इस सिटी के बारे में, कैसा लगा गुड़गांव? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं कि जब मैंने वीडियो देखी है तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये इंडिया का सिटी है कोई, क्योंकि इसमें बहुत डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। मतलब इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं और मेट्रो चल रही है वहाँ पे, और जैसे उनकी सिटी में लोगों की मूवमेंट है वो कोई फॉरेन कंट्री लग रहा है, और मतलब इंडिया कहीं से भी नहीं दिख रहा। जैसे मोस्टली आप वीडियोस देखें तो उनमें आपको बहुत ही अजीब सी स्ट्रीट्स नज़र आती हैं इंडिया की, और लोगों का रहन सहन जो दिखाई देता है वो इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं दिखाई देता मोस्टली वीडियोज़ में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पर ऐसा लगता है जैसे किसी कोई दुबई या किसी यूरोप कंट्री में आप घूम रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग चल फिर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड हैं। और मतलब बड़ा अच्छा सिटी मुझे दिखाई दिया। मुझे कहीं से भी इंडिया का कोई गुड़गांव जिस तरह आप बता रहे हैं वो कोई किसी गांव के लुक नहीं लग रही है, या मतलब बिल्कुल एक आम सा सिटी कोई नहीं दिख रहा, बट बहुत हाई फाई सिटी दिखाई दे रहा है। तलहा, क्या कहेंगे गुड़गांव के बारे में, कैसा लगा गुड़गांव, क्या पहले इसके बारे में जानते थे आप? जी, मैं बिल्कुल जानता था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, लाइक स्नैपचैट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जुड़ के तो उनसे बात होती रहती थी, लेकिन वो तब एक लाइक विलेज था। लेकिन आज उसको देखें तो वो एक टेक्निकल हब बन चुका है, बहुत से बड़े ब्रांड्स वहाँ पे मूव कर चुके हैं, तो वो एक ऐसा ही है जैसे कि आप किसी आउट ऑफ कंट्री मूव फिर रहे हैं, तो वो लाइक मेट्रोज हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ पे, आपको तमाम चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। आई थिंक न्यू दिल्ली का ये शहर है जो अब बहुत डेवलप हो चुका है, लाइक जैसे हमारा कराची था पहले किसी दौर में, लेकिन अब वहाँ पे तमाम बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे ही वो गुड़गांव भी है। गुड़गांव, मैं इंडिया को काफ़ी देर से जानता हूँ, यानी कि मैं दुबई भी रहा हूँ, ओमान भी रहा हूँ, मेरे साथ इंडियन लोग भी काम करते रहे हैं, तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आम सा सिटी था। लेकिन अभी जब ये डेवलपमेंट इन लोगों की है तो बहुत ही अच्छा बन गया है, मानने में नहीं आ रहा कि इंडिया का वही पुराना शहर है गुड़गांव। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे यूरोप होता है, कनाडा, अमेरिका, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया इन लोगों ने। और आईटी में माशाल्लाह, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ
कितनी ज़्यादा तरक्की कर गई है इंडिया। और हालांकि ये पहले पाकिस्तान में आना था, आईटी डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान में आना था, तो हमारे जरदारी साहब थे तभी प्रेजिडेंट, उन्होंने इनसे परसेंटेज मांगी 10% दे दें या 30% दे दें। उसके बाद ये लोग मूव हो गए इंडिया में, तो अभी आईटी में हमारे से बहुत ज़्यादा आगे इंडिया है। अभी हम उनसे 20-25 साल पीछे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं 30-40 ईयर्स हम लोग पीछे हैं। तो अगर यही चीज़ इधर आ जाती तो आज हम लोग उनसे भी आगे होते। लेकिन बहुत खुशी है देख के कि इंडिया हमारा हमसाया कंट्री है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उसके बारे में बुरा बोलें, जो चीज़ अच्छी है उन लोगों ने अच्छा काम किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। हम भी ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी बने सिटीज़ आगे, जैसे इस्लामाबाद है, अभी इस्लामाबाद में न्यू सिटी भी बन रहे हैं, लाहौर में बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी आई टी डिपार्टमेंट तरक्की करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। और मुझे बहुत खुशी है देख के ये इंडिया में इतना अच्छा सिटी बन गया है। आपने देखी एक वीडियो गुड़गांव की, कैसा लगा आपको गुड़गांव? लगा कि ये इंडिया शहर का हिस्सा है? जी एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंडिया है या इंडिया की कोई ऐसी सिटी है। ऑब्वियसली मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये समझा कि कोई यूरोप की कोई सिटी है, या कोई जैसे उसमें आ रहा था ना आईटी हब और 40% रेवेन्यू यहाँ से इंडिया अर्न कर रहा है, तो उसमें मुझे यही लगा जैसे हम सिलिकॉन वैली या कोई न्यूयॉर्क की कोई स्टेट वगैरह में ऐसे चल रहे हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, चीज़ें देखी और कुछ साइंस वगैरह बोर्ड्स वगैरह भी वहाँ पे देखे, फिर आगे वो वीडियो में जैसे वो टाइटल्स में बता रहे थे, तो फिर मैंने मुझे भी लगा कि इंडिया में भी ऐसी कोई सिटी है जो कि इतनी डेवलप है। और वैसे वीडियोज़ में वीडियो से देख के और वैसे हम रियल में जो सुनते हैं या करते हैं तो उस हवाले से हमें पता नहीं लगता कि इंडिया भी इतना डेवलप है। जैसे मुंबई भी हम देख लें, दिल्ली देख लें, लेकिन सिटीज़ ने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया है और मुझे लग रहा है कि मैं इस बारे में और रिसर्च करूँगा और देखूँगा इसके बारे में। और आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको गुड़गांव? अच्छा, मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने ये देखी है वीडियो, नहीं तो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि वो बहुत ही कोई ऐसी हमारी तरह का है इंडिया भी कि गरीब है, लेकिन लेकिन काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ था, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज थी उनकी सिटी, वो सारी बिल्डिंग्स, वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि किसी ने भी ये बनाया तो वो बड़ा सोच के और बनाया कि ये वाकई एक सिटी कहलाने के लायक था, कि फ्यूचर सिटी। बहुत अच्छी चीज़ें लगी मुझे बिल्डिंग्स, मुझे तो पहले लगा कि मैं दुबई वाला कोई सिटी देख रहा हूँ। दिल किया देखने के बाद कि यार यहाँ पर जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा जाए कि अगर मैं अगर इंडियन होता एज अ इंडियन और मैं वहाँ रहता, तो मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं उस सिटी में काम करूँ या रहूँ मैं वहाँ पर। और बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन सिटी है, और अगर आपके पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्क में इस तरह का सिटी इस्टेब्लिश हो जाए तो आप हर बंदे की कोशिश होगी कि इतने अच्छे और नीट सिटी के अंदर रहना पसंद करेगा और वहाँ पे इवन जॉब करना भी पसंद करेगा। जी ऑब्वियसली दिल किया है, और मैं वही आपको बता रहा था, मैं इस बारे में और रिसर्च करूँगा और मैं देखूँगा अगर मुझे फिजिकली भी जाने का मौका मिलता है तो मेरा है ये मिशन कि मैं उसको देखूँ। क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट था वहाँ का, एक पोल्यूशन और जो उन्होंने एक बनाया वो इसी तरह लग रहा था कि ये कोई एशिया का सिटी नहीं है या इस तरह का कोई एरिया नहीं है, ये यूरोप या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो उधर की पोल्यूशन या जो एक वेदर वगैरह होता है, और वेदर भी उसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब कि एक साफ भी था। और इस वाले से मेरा दिल है कि मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि अगर जाने होता तो मैं विजिट करूँ। क्या आप यकीन करेंगे कि ये जो सिटी है ये 10 से 15 साल के अंदर डेवलप की गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे कि वो बिल्डिंग बनी हुई थी मुझे लगता था कि ये काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे कि इस सिटी को ऐसा बनाना है, ऐसा डेवलप करना है, और एकदम से 10-15 सालों में अगर ये उन्होंने अचीव किया तो बड़ी अच्छी बात है। वीडियो देखते वक्त दिल किया कि यहाँ पर जाना चाहिए? जी बिल्कुल, दिल क्यों नहीं किया। हम लोग खुद आईटी से रिलेटेड हैं, और जो बंदा जिससे रिलेटेड होता है ना उसका दिल करता है कि वो नई से नई चीज़ एक्सप्लोर करे, तो इंडिया जाना चाहिए, बल्कि दिल भी करता है। हाँ, जब उधर जाएंगे तो हम और भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ देख सकते हैं वो हमसे थोड़ा आगे हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ उन लोगों ने डेवलप की है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करके उसको हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें, ताकि हमारा कंट्री भी पाकिस्तान भी तरक्की करे। सर आप यकीन करेंगे कि सिटी 10 से 15 सालों में डेवलप हुई है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन जो इकॉनमी में से हमारे से बेहतर है, और वैसे भी वो कंट्री के लोग जो है ना वो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे भी, वहाँ पर केरला एक स्टेट है, वहाँ पे 100% यानी कि स्टडी के लिहाज से उसको माना जाता है, तो बिल्कुल कर सकता है इंडिया, क्यों नहीं। इंडिया के पास पैसा भी है, इंडिया के पास नॉलेज भी है, स्टडी भी है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। मैं खुद काम किया इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, और जब इनकी कंट्री में कोई चीज़ ऐसी बन रही है तो वो तो
श्योर करेंगे तो उसकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मुझे आइडिया है कि क्योंकि इतनी फास्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे आपको एक देखने को मिलता है कि जितनी अच्छी चीज़ वहाँ पे आप लगाएंगे लोग उतने ही मूव करेंगे उस साइड, तो वो चीज़ बिल्कुल देखने को मिली है कि हाँ उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने मेहनत की है और उनकी मेहनत रंग ला रही है, वो कैपिटल बनने जा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि गुड़गांव जैसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में भी हो? नहीं, होनी चाहिए बिल्कुल। अगर टेक्निकल वे से देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं, हम तकरीबन 10-12 साल पीछे हैं मुख्तलिफ कंट्री से, तो वो होनी चाहिए। इससे एक तो पॉवर्टी रिमूव होगी, दूसरा उसके बाद जॉब्स बनेंगी जिसकी वजह से ये जो जितने आजकल लोग हैं वो मास्टर्स करके हैं तो वो उनको एक नया मौका मिलेगा ताकि वो जॉब करके अपने स्किल्स दिखा सकें, क्योंकि आजकल जॉब्स बिल्कुल हैं नहीं, लोग मास्टर्स करके और छोटी छोटी जॉब्स पे लगे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई सिटी डेवलप हो सकता है? अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद को जो है सबसे अच्छा सिटी इस वक्त कंसीडर किया जाता है, आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में इस तरह का कोई सिटी पाकिस्तान में डेवलप हो सकता है? क्योंकि ये तो 10-15 साल में डेवलप हुआ है सिटी ना, तो आपको लगता है अगर इतने ही साल पाकिस्तान की किसी सिटी पर लगाए जाएँ तो क्या हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर देखा जाए, मैं भी फ्रेंकली इंडिया और पाकिस्तान का वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि इंडिया बहुत बहुत आगे है पाकिस्तान से, लेकिन चलें फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेकंड के लिए ये सोच भी लेते हैं तो पाकिस्तान का इतना रेवेन्यू नहीं है, उसकी जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तरफ आए। पहले तो अपने बेसिक मसाइल से ही नहीं निकल पाएगी, और अगर वो निकल भी आई तो उसके लिए इस तरफ आने के लिए बहुत सारे साल चाहिए उनको, क्योंकि उनको पहले अपना हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे सिटी को तो तब आप डेवलप करते हैं जब आप ये बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मुकम्मल किया हो, तो आप इस सिटी के बारे में सोचेंगे। और हाँ, जाहिर बात है कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस तरह की सिटी डेवलप कर सकता है और पाकिस्तान इसके कैपेबल है कि अगर उसको कुछ इस तरह का रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट दी जाए तो जी आई एम श्योर कि वो कर सकता है। जैसे इस्लामाबाद भी हमने डेवलप किया था तो वो भी कुछ ज़्यादा अरसा उसको भी नहीं था लगा, और अब हमारे पास वसाइल उससे ज़्यादा हैं और काफ़ी हमारी जो पब्लिक है उसमें भी काफ़ी शौर है, और जी ओबियसली हम इसको डेवलप कर सकते हैं अगर हमें 10-15 साल दिए जाते हैं और एक अच्छा बजट दिया जाता है तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता है किसी भी शहर को दिया जाए उसके ऊपर काम करने वाली जो कबीना है वो अच्छी होनी चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है। पैसे क्या नहीं कर सकते आजकल, तो वो बिल्कुल डिवेलप हो सकता है। आप किसी ऐसे शहर को दें जहाँ पर लोग विलिंग है काम करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है। अब लाहौर, इस्लामाबाद ये तो चीज़ें होगी एक साइड पर क्योंकि ये डिवेलप हो चुकी हैं, उन पर लगाना चाहिए जो अंडर डिवेलपमेंट लाइक दीपालपुर, ये एरियाज़ जो हैं बैकवर्ड एरियाज़, उन पे करना चाहिए ताकि वो उधर ही लोग मूव ना करें। ये जैसे लाहौर के अंदर काफ़ी अब पॉपुलेशन हो गई है, वहाँ इधर मूव करने के बजाय वहाँ पे अगर उनको अपॉर्चुनिटी हो तो वो क्यों घर से दूर मूव करें। जी तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपने देखा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन गुड़गांव के ऊपर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन कैसा लगा आप बता सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।